लो माता जी पकड़ो। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। कोरोना की महामारी के समय जब अजमेर के लोग, प्रदेश के लोग सभी और कई लोगों को अपना दैनंदिन भोजन जुटाना भी कठिन हो रहा है, ऐसे समय कई NGO अपने क्षेत्र में लोगों को भोजन के पैकेज बांटते हैं, लेकिन हम सब लोगों को आवश्यकता लगी कि भोजन के पैकेज तो बच रहे हैं, वह तो अपने स्थान पर है, लेकिन सूखी सामग्री लोगों तक रियायती दरों पर भी नहीं है, क्योंकि पूरा कॉस्ट देख करके खरीदना कठिन है, कि व्यवसाय सबके बंद हैं, दुकानें बंद हैं, ठेले बंद हैं, उनका व्यवसाय बंद है, तो इसलिए हमने एक जनता राशन नाम से योजना शुरू की है, उसे हम सब लोग मिलकर के लोगों को रियायती दरों पर सामग्री उपलब्ध कराएंगे। इस सामग्री में 5 किलो आटा, 1 किलो तेल, 1 किलो दाल और 2 किलो चावल, इसका मूल्य लगभग 250 रुपये होता है, जिसको हम 225 रुपये में आधी कीमत पर हमारे उपलब्ध कराएंगे। और इस उपलब्ध में हमारे जो पार्षद हैं, ये जो प्रमुख लोग हैं, वो अपने अपने क्षेत्र से ऐसे गरीब परिवारों की सूची बना करके लाएंगे, तो सूची के अनुसार इसका वितरण करेंगे। वर्तमान में इसके 1000 पैकेट हम लोगों ने तैयार किए हैं, जिनका वितरण हो सकेगा। उसके बाद आवश्यकता हुई तो इस अपने प्रोजेक्ट को हम और आगे बढ़ाएंगे, ताकि कम कीमत पर इस कठिनाई के समय लोगों को कम से कम अपने भोजन सामग्री कुछ भी नहीं हो सके। इसके लिए आज से जनता राशन की योजना हमने शुरू की है, और इसमें हमारे मेयर साहब हैं, हमारे नीरज जी हैं, संदेश जी हैं, बाकी सब लोगों के सहयोग से हम ये लोग इस योजना को चलाना आज से प्रारंभ कर रहे हैं। कश्मीरी गणेश इस समय हम लोग कर रहे हैं। देखिए, जनता रसोई पहले चलाई जा रही थी, अब जनता राशन भी हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से भोजन की व्यवस्था की जा रही थी, फिर ये चलते चलते ध्यान में आया कि कुछ एक भोजन की सामग्री को लेकर बार बार कई परिवारों में जाना पड़ रहा है, लिखते पक्की जाना पड़ता है, उसको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो वो भोजन की जो पक्की बनाकर सामग्री वो तो दी जाएगी, फिर ये विचार आया कि कच्ची सामग्री भी दी जानी चाहिए, जिसमें 5 किलो आटा है, 1 किलो दाल है, 1 किलो चावल है, 1 लीटर तेल है। इस प्रकार से इसकी जो कॉस्टिंग है, हमने वहाँ से लेने वालों से भी रियायती दर पर लिया है, वो रियायती दर पर लेने के बाद भी ये 350 रुपये का पैकेट एक पड़ रहा है। इसमें लगभग एक परिवार के अंदर 4 जनों को अगर मानते हैं तो 5 से 6 दिन का उसके राशन की व्यवस्था हो जाती है। इसलिए जो लॉकडाउन की व्यवस्था है वो भी बनी रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग की है वो भी बनी रहती है, इस मद्देनज़र रखते हुए भी किया है। जो 350 की रेट का है, इसमें 225 रुपये वैसे ही किफ़ायती दर पर लाए, इसकी रेट मार्केट की ज़्यादा होगी, मगर इसकी किफ़ायती दर पर आधी तो भामाशाहों से ले रहे हैं, आधी जो रेट है वो पार्षदों के माध्यम से ही बुला के उनको दे रहे हैं, ताकि उनके अपने अपने क्षेत्र में से किसी प्रकार की कोई डिमांड हो तो संभावनाएं उनको इस बात की भी दी जा रही है सलाह कि वो अपने क्षेत्र के भामाशाह ढूंढें और 225 रुपये वहाँ से ले और गरीब व्यक्ति है उस तक इस सामग्री को पहुँचाए, यानी कि गरीब तक तो निःशुल्क भी पहुँच सकता है। यदि कोई आवश्यकता है कि इतना गरीब नहीं है जो अफोर्ड कर सकता है, उसे 225 रुपये में सामग्री पहुँच जाएगी। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि लंबी चलने वाली प्रक्रिया है तो लंबा तक चलाया जा सकता है, इसलिए आज ये वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है। जनता के लिए, जनता के सहयोग से, जनता द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जनता रसोई चलाई जा रही थी। अब उसी जनता रसोई का एक दूसरा रूप कि वो जनता रसोई तो थी उन लोगों के लिए जो मेहनतकश मजदूर थे, जो दैनिक अपनी रोजगार से अपना पेट भरते थे, लेकिन ऐसा वर्ग जो कि न तो सरकार की BPL योजना में, न खाद्य सामग्री की योजना, खाद्य सुरक्षा योजना में, न किसी अन्य योजना में BLO से चिन्हित होकर अभी तक उन तक राशन नहीं पहुँचा है, लेकिन अपने खुद के द्वारा 1 महीने का राशन उन द्वारा लिया गया था वो ख़त्म हो गया है। वो छोटा रोजगार करने वाला व्यक्ति है, कोई ना दर्जी की दुकान करने वाला है, कोई पार्लर सलून करने वाला व्यक्ति है, कोई छोटा मोबाइल की दुकान खोलने वाला है, रेडीमेड गारमेंट की शॉप लेकर बैठने वाला व्यक्ति है। 15 दिन से दुकान नहीं खुलने से उसके बाद रोजगार का कोई साधन नहीं था,
राशन खत्म होने की स्थिति में आ गया है। तो इस प्रकार का जो लोअर मिडिल क्लास निम्न मध्यम वर्गीय परिवार जो किसी से मांग भी नहीं सकता उन तक ये राशन पहुँचे, इसका योजना हमारे द्वारा बनाई गई। हमारे विधायक देवनानी जी और मेयर धर्मेंद्र जी ने इसकी सहमति दी और हमारे द्वारा तय किया गया कि उनको, क्योंकि वो स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उसका पूरा मूल्य चुकाने की स्थिति में नहीं है लेकिन उसका नॉमिनल शुल्क हमको दे सकते हैं, तो पार्षद को नोडल एजेंसी बनाते हुए ये 350 रुपये का फूड पैकेट उनको 175 रुपये में दिया जाएगा, उन तक पहुँचे इस हेतु पार्षद से एक लिस्ट बनवाई गई है जिसमें उस व्यक्ति का नाम, फ़ोन नंबर, उसका राशन कार्ड, हमारे पास वो जानकारी उपलब्ध रहे जिससे कि वो व्यक्ति तक यथास्थान पहुंच पाए और इसका सदुपयोग हो पाए और वो अपने स्वाभिमान के साथ, अपने संकोच के साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। मेरा आग्रह सरकार से केवल मात्र खाद्य सुरक्षा योजना में या BPL में आने वालों को राशन दे करके या गेहूँ दे करके तीसरी करने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है वो भी अपना मासिक कहीं ना कहीं गुजारा करते हैं, 10-12 हज़ार रुपये महीना जो अपनी सैलरी से अपना गुजारा कर पा रहे थे उनको अब सैलरी नहीं मिल रही है, उनका पैसा लौट करके नहीं आ रहा है, उन लोगों तक भी ये राशन पहुँचे, हमने योजना बनाई है, सरकार भी इसी योजना पर कुछ काम करे, ये आग्रह निवेदन सरकार से। देखिए जनता रसोई में पूरा अजमेर के जितने भी BJP कांग्रेस के सब लोग जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे से वो चल रहा है, लगभग 4000 पैकेट हम रोज़ दे रहे हैं। जब पैकेट हम देने जाते हैं तो एक चीज़ हमारे ध्यान में बार बार आ रही है कि कई जनता में जब पैकेट लेने वाले मांगते हैं कि हमें सूखा प्रोवाइड करा दें तो हम यहाँ नहीं आएंगे और हमें घर पर ही बना लेंगे, आप सुबह का दे दें तो शाम का हमारे रह जाता है। वो देख के फिर ये जनता राशन का विचार आया, पर इस जनता राशन को हमने भाई साहब से शेयर किया देवनानी से, तो देवनानी जी ने अपनी सहमति दी और उन्होंने अपने स्तर पे ही इस प्रोग्राम को पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। देवनानी जी और माननीय मेयर साहब उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें हम सहयोग कर रहे हैं, जैसे जनता रसोई का कर रहे हैं वैसे जनता राशन का भी हम इनको सहयोग दे रहे हैं। ये उनका ऑर्गेनाइज़ किया हुआ प्रोग्राम है जिसमें हम भी चाहते हैं कि 1000 परिवार को ये किट मिले 50% रेट पे, 350 रुपये की रेट है इस किट की और उसको 175 रुपये में देंगे।